सो दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल TVS की राइडर 125। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाता है जिसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाली है मुंबई की 1,15,500 रुपए। तो ये बाइक फ्रेंड से कुछ ऐसी दिखती है। ये रहे मिरर आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं, नंबर प्लेट आपको यहाँ पे लग जाएगा, हेडलाइट आपको LED मिल जाती है, DRL भी आपको LED मिलने वाले, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाले हैं। सो ये रहा इसका फ्रंट का लुक, मडगार्ड आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे देखेगी। हम बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। रियर की बात करें तो आपको मिलने वाला है मोनो सॉक सस्पेंशन, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। और टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील मिल जाएगी, डिस्क आपको मिल जाएगा फ्रंट में, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है, ब्रेकिंग सिस्टम आपको CVS मिल जाएगा। और ये रहा इसका इंजन कॉइल, जो कि आपको बहुत ही स्पोर्टी मिल जाएगा। ये रहा कैटलेटिक कन्वर्टर, हॉर्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है, लेग गार्ड, इंजन आपको मिल जाता है 125cc का, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, एयर कूल, FI और साथ आपको मिल जाता है 5-speed गियरबॉक्स। ये रहा इसका ब्रेक पैड, राइडर फुटरेस्ट, राइडर ट्रेनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये रहा इसका टैंक का, जो कि बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है। TVS रेसिंग का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इसका सीट का एग्जॉस्ट आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, जो कि काफी खूबसूरत सा है, साउंड भी बहुत अच्छा निकलता है इससे। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, बहुत ही खूबसूरत सी, और ये इस कलर में बहुत अच्छी भी लग रही है। और अभी बात कर लेते हैं इसके टेल सेक्शन के बारे में। ये रहा इस बाइक का टेल सेक्शन, टेल लाइट आपको LED मिल जाती है, बहुत ही प्यारी सी नंबर प्लेट यहाँ पे लगने वाला है। ये रहा इसका मडगार्ड। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, साइड गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस्ट, स्टैंडर्ड वैसे कुछ दिखने वाली है। राइडर फुटरेस्ट, गियर पैड, गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिलने वाले, पहला आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी आपको मिल जाएगा। ये रहा इंजन का ऑल, इंजन आपको ब्लैक कलर के साथ मिल जाएगा, राइडर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये रहा टैंक, इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। और ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। हम बात कर लेते हैं सीट के बारे में। सीट आपको स्प्लिट मिल जाती है, जिसमें आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। चाहे राइडर की बात करें या फिर बिल्डर राइडर की बात करें, कुशनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। चाहे आप इस बाइक से सिटी राइड करो या हाईवे राइड करो, ऐसा कुछ आपको गैबरे मिलने वाला है। फ्यूल टैंक की, यहाँ फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा, 10 लीटर का माइलेज मिलने वाला है 65 के आसपास। फोन चार्ज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम इसके मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। आपको फुली डिजिटल मिल जाता है, जिसमें आपको काफ़ी सारे कूल से फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका RPM बताएगा, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर बताएगा, टाइम बताएगा, आपका स्पीड बताएगा, हेलमेट इंडिकेटर बताएगा, या आपका ऑडोमीटर बताएगा। यहाँ पे आपका ट्रिप का मिलने वाला है। और इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, आपको पावर मोड एंड इको मोड्स मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉप स्पीड एंड रेंज मिलने वाली, मतलब माइलेज आपको मिल जाएगी, आपका थ्रोटल, ब्रेक लीवर एंड ये आपको स्विच मिल जाती है, किल स्विच की जगह पे पावर एंड इको, ये आपका सेल्फ का ऑप्शन हो गया। और इधर की बात करें आपका अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, पासिंग लाइट, ये आपका हो जाता है क्लच, लीवर, मिरर आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे। सो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये 125cc की एक बेस्ट बाइक आप लोग क्या लगता है। मेरे हिसाब से ये 125cc की एक बेस्ट बाइक है मेरी तरफ से। आप लोग क्या ओपिनियन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें आपको अच्छा खासा फीचर्स मिल जाएगा, माइलेज मिल जाएगा, कंफर्ट तो आपको मिलता है, ये लुक तो है ये इसका अच्छा।